शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ कर्नल जी, सोयाबीन पर आपकी क्या राय रहेगी? सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1700 के ऊपर निकल चुका है, तो क्या ऐसे में घरेलू सोयाबीन की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, सोयाबीन ने जबरदस्त तेजी दिखाई। आपको याद होगा कि जो सरकार ने सोयाबीन के और रिफाइंड के ऊपर रोक लगाई थी NCDX पर, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि धैर्य रखना चाहिए कि ये प्रयास जो है ये नाकाबिल होंगे। और जब सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर जब इसकी फ्रेश फसल आई थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जो ये भाव फसल पे है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 119 लाख टन का जो पैदावार की और 120 लाख टन की पैदावार की जो आंकड़े सोपा ने और सरकार ने जारी किए थे, उसके ऊपर भी हमने कहा था कि खपत के बारे में भी बात करनी जरूरी है। कुल मिलाकर सोयाबीन ने पिछले लगभग 1.5 महीने के अंदर जो सोया ऑयल 1010-1020 रुपए NCDX में बिक रहा था, वो 1600 से ऊपर के भाव आज बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी, लगभग 55-60% की तेजी, ये ऐतिहासिक तेजी बनी है जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया था। उम्मीद है कि इसमें भरपूर लाभ उठाया होगा। देखिए, तेजी आने के बाद तेजी के 50 कारण गिनाने से कोई मतलब नहीं है। मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एडवांस में तेजी नहीं बोलेंगे, जब तक एडवांस में आप मंदी नहीं बोलेंगे, उस विश्लेषण का कभी भी कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अब सोयाबीन के ऊपर मुझे लगता है कि इन स्तरों के ऊपर एक बार माल बुक कर लेना चाहिए। जब सोयाबीन 8000 से ऊपर चला गया था तो मैंने यही कहा था, अभी भी पुनः कह रहा हूँ कि एक बार जब अच्छी तेजी बन जाती है तो उसके अंदर यदि आप मुनाफा वसूल नहीं करते हैं और उसके बाद और सुपर तेजी की उम्मीद करते हैं, सुपर तेजी की उम्मीद करना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन यदि आप टाइमली मुनाफा किसी चीज में वसूल नहीं करते हैं और उसके बाद यदि करेक्शन होता है तो उसके फिर हाथ मल जाना वो बिल्कुल उचित नहीं है। यही कपास खली में हुआ था, यही हमने कपास में बोला था, यही आपको प्याज में बोला था। आपको याद होगा प्याज के अंदर जो जुलाई अगस्त के अंदर बुरी तरह से पिटाई हो रही थी, उस वक्त प्याज 500-600 रुपए क्विंटल बिक रहा था। हमने यही कहा था कि इसको आप भी माल खरीदिए, जबकि उसके उस टाइम कोई लेने को तैयार नहीं था। वही प्याज अक्टूबर नवंबर के अंदर 3800 से 4000 रुपए क्विंटल, लगभग 3 से 4 गुना। और ये भी गौरतलब है, उस टाइम सरकार ने 2 लाख टन से अधिक प्याज का बफर स्टॉक भी बनाया था, उसके बावजूद भी तेजी आई। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हमने कहा था कि आप यहाँ पे वसूल कर लो प्रॉफिट। तो कहने का मतलब यह है कि यदि फल यदि पेड़ के ऊपर पक जाता है, उसको आप नहीं तोड़ते हो टाइमली, तो या तो पक्षी खाएंगे या फिर एक समय के बाद वो नीचे गिरकर पुनः बीज का काम करेगा। तो यही हाल सोयाबीन में है। सोयाबीन के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल करना चाहिए और एटलीस्ट 50-40% तो मुनाफा वसूल करना ही चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। ये अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।